मिस्त्री राधा जी बैठती है कृष्ण में, दुलाती है सखियां,
एक से जाता है तो कृष्ण ऊपर हो जाता है, इधर से जाते हैं पराजय। इसमें श्री कृष्ण की सारी पंचायत हो रही है। When Radha and Krishna are sitting in two seated space, then sometimes Radhika becomes a part, sometimes Krishna, and sometimes Srimati Radhika are spread out, or ideas are called out. So he has all the Krishna and Krishna, that's being about. कई तरह से तुरंत होता है। अभी हम लोग चलेंगे गोपीनाथ भवन में, पहले यहीं से कौन सा श्याम कुंज में अभी जाएंगे और श्याम कुंज में झूला झूला करके राधा रानी के कुंज में झूला करके फिर हम और यहाँ राधा कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं। वो लोग Ah.
मनोराजी अरब
सही प्रीतम को जानत सही आयं कलि रूप शरीर नाथ रथ कलि रूप शरीर नाथ रथ जाकर चरण प्रसाद सकल जन जाकर चरण प्रसाद गाई गवाई सुख पावत गाई गवाई सुख पावत चरण कमल शरणागत माधव चरण कमल शरणागत माधव तब महिमायुर लागत तब महिमायुर कलि रूप शरीर नाधरथ यं कलि रूप शरीर नाधरथ यं कलि रूप शरीर नाधरथ यं कलि रूप शरीर नाधरथ जय रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी गोस्वामी प्रभु रूप प्रभु कृपा करो मोरे कृपा करो 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 प्रभु हे 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 चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्ते आददानं स्त्रीणं दन्तेदं याचेत् पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भुजतुलि स्यात् जन्मनि जन्मनि हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत में हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी के भजन स्थली समाधि पीठ पर उपस्थित हुए आज उनकी विरहतिथि है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया जिनके पाद पद्म धूलि ही हम लोगों के एकमात्र जीवन के आधार में वे श्रील रूप गोस्वामी पास हम सबके जीवन के एकमात्र जीवातु हैं जिन्होंने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए ब्रजभूमि में निवास किया। जिस समय ब्रजभूमि एक प्रकार से जंगल में परिपूर्ण वृंदावन था, सारा उजाड़ पड़ा हुआ वीरान पड़ा हुआ सारे स्थान लुप्त था, महाप्रभु जी आए और प्रयाग में लौटते समय महाप्रभु जी श्रील रूप गोस्वामी जी को प्रेरणा उनकी प्रेरणा से वृंदावन धाम आए। यहां पर उन्होंने निवास किए और यहीं पर भजन करते हुए उन्होंने लुप्त वृंदावन को पुनः प्रकाश किया, श्री विग्रह को प्रकाशित तथा भक्ति ग्रंथ का प्रणयन शुरू किया। महाप्रभु जी ने भक्ति सूत्रों का वर्णन किया और उसको परवाय के रूप में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ही उन्हें को विस्तार किया है। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने यहां से श्रील भक्ति रसामित सिंधु श्री भक्ति रसामित सिंधु श्री उज्जैन मणि
अंश दूत पद्मावली ललित माधव विदग्ध माधव आदि नाटक लख श्लोकित कैल राधा कृष्ण लीला विस्तार 1,00,000 श्लोकों में जिन्होंने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का विस्तार किया। इस प्रकार जिन्होंने भक्ति रस को प्रकाशित किए हैं तथा वैष्णव सदाचार भजन प्रणाली ये सभी कुछ उन्होंने विस्तार किया है। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जो कि महाप्रभु जी के अत्यंत अंतरंग जन हैं, जिन्होंने स्वयं महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के लिए सभी भक्तों से प्रार्थना की, आप सभी लोग अनुग्रह करें जिससे कि उनके अंदर में भक्ति रस का संचार। सभी भक्तों ने कहा, प्रभु जब आपने अनुग्रह किया है इस प्रकार आपके अनुग्रह को प्राप्त हुए तो उनके लिए कोई अवशेष रहता है? जो महाप्रभु जी के हृदय के भावना को किसी के समझ में नहीं, ऐसे मनोभिष्ट को ही भाव को उघाड़ करके प्रकाश किए भक्ति रस का पुंखानुपुंख रूप में ऐसा विवेचन जो कि विश्व में एक अनुपम उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी पाते। इसलिए सारे संसार जिनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं और उन्हीं की कथाओं के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, एकमात्र यही पंथा है। इसलिए हम लोगों की पद्धति को कहा जाता है जो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी को एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके चरण धूलि ही हम सबके जीवन के एकमात्र स्वरूप है, जो कि प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततानुरूपे सविलास रूपे, जो कि प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे केवल प्रिय नहीं अत्यंत अंतरंग जन जो प्रिय दैता के रूप में जो कि दैत के रूप में अत्यंत घनिष्ठ और जो कि प्रिया के रूप में ऐसे दैता श्रील रूप गोस्वामी पाद जो स्वयं श्री राधा जी के रूप के अवतार जो कि श्री रूप मंजरी के रूप में उनको वर्णन किया गया है, इस प्रकार प्रेम की मूर्ति है भाव की मूर्ति जो कि श्री राधा जी के सभी प्रकार के भावों का विश्लेषण उन्होंने जिस रूप में किया है आज तक संसार में कोई भी आचार्य इस रूप में वर्णन नहीं कर सकते जितना उन्होंने वर्णन किया, जो कि प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि करके भावों की जो पराकाष्ठा है सभी का विश्लेषण तथा श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक चयन करते हुए कैसे श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोकों में कौन कौन भावों को व्यक्त किया है जो किसी को भी पता नहीं, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्री उज्जैन मणि में कर दी। इस प्रकार जो कि महाप्रभु जी के एकमात्र निजानु रूपे उनके स्वरूप में उनके मनोभिष्ट को भावों को व्यक्त करने वाले ऐसे श्रील रूप गोस्वामी जी के चरणों में हम लोग पुनः पुनः नमन करते हैं, आज उनके स्थान पर आए हैं उनकी चरण धूलि यहाँ के धूलिकण हम सब के लिए कृपा भाजन बनाए। इतना कह करके मैं अपना वक्तव्य यहीं रखता हूँ। वंशा कुलभद्रुभस्य कृपा सिंधुभयोः परितानां भवति। गुरवे गौरचंद्राय चैतन्य मनो स्थापित जैन स्वयं रूप कदा मनी आदान श्रीमदूपदा भोजोनी जंकली रूप शरीर रन घर तम
प्रेम महानिद कुठरि को कपाट कौन उधार। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी नहीं आते जगत में तो राधा कृष्ण के प्रेम को, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को जो प्रचार करने के लिए आए थे, उस प्रेम महानिधि की कुठरी खजाना उसको कौन जगत के लिए खोल देता। जो आज जगत के लोग सभी लोग उसे परिचित हुए और रूपानु गुरु वर्ग कहने में हम रूपानुग हैं, कहने में गर्व बोध करते हैं। तो ऐसे ये रूप गोस्वामी वन में तरह तरह के फूल खिलते हैं, बेली चमेली जूई कमल, किंतु उसको प्रकाश कौन करता है? भ्रमर। भ्रमर यदि न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। जिन फूलों पर भ्रमर नहीं जाते उनका कोई महत्व नहीं। इसी तरह से रूप गोस्वामी को भ्रमर कहिए और प्रेम स्वरूप राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु को कहे। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते और उनके मनोभावों को जान करके, अभीष्ट को जान करके, उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव की शास्त्रों की युक्तियों पर प्रतिष्ठा नहीं करते तो सब लोग उसे घृणा करते। और संप्रदाय के लोग पहले घृणा करते थे, ये इन लोगों में क्या है उपपति भाव का, एकदम जगत में सबसे खराब चीज है। किंतु रूप गोस्वामी ने समस्त लोगों के तर्क वितर्कों का खंडन करके महाप्रभु के इस भाव को जो स्थापित किया, इसीलिए उनको कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम। उसके लिए उज्ज्वल निन्मणि भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ लिखे गए, उसके लिए और सब ग्रंथ लिखे गए, सभी में वही उन्नत उज्जवल पारकीय भाव की विशेषता दिखलाई। पहले इसको बहुत घृणित समझते थे, इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में विवाह में उनको बहुत महत्व दिया जाता था और संप्रदाय में वही अभी तक है भाव, वही है सत्यभामा रुक्मिणी का नित्य मिलन का और विवाह इत्यादि का भाव। यहां तक कि रामानुजाचार्य के फॉलोवर जो रामानुजी वैष्णव हैं, उन लोगों ने तो इसके लिए चैलेंज ही दे दिया, गोविंद मंदिर से राधा जी को निकाल दो, ये उपपति भाव वाली है। और इसके लिए बहुत विचार हुआ, हमारे रूपानुग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बलदेव विद्याभूषण को भेजा, गौड़ीय वेदांताचार्य को, और उन्होंने खंडन मंडन करके सबको और पारकीय भाव की स्थापना की। और उसी के उपलक्ष्य में गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र की रचना करके और पंडितों को परास्त कर दिया। ये रूप गोस्वामी की महिमा है। इसलिए आददान स्थिणम दंतेरिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमदरूपदम भोज धूली साध्य। हमारे पूर्व गुरुओं ने ये सब किया। एक बार चैतन्य यदि रूप गोस्वामी नहीं होते तो रूप मंजरी का जितना महत्व है उससे कोटि गुण महत्व रूप गोस्वामी का है। रूप मंजरी जी ने सेवा की, किंतु सेवा की प्राप्ति कैसे होगी ये उन्होंने निस्थापित नहीं की। जीवों को ये नहीं बतलाया कि क्या करने से उपाय बद्ध जीव कलियुग के लोग या और युगों के लोग कैसे मिलेगा वह प्रेम महानिधि, उन्नत उज्ज्वल रस कैसे मिलेगा, और उन्नत उज्ज्वल में भी संभोगमयी और तत्त इच्छा भाव इच्छामयी
ये सब कौन समझाता? हाँ, तो क्या कह रहा था? हाँ, तो रूप मंजरी ने नहीं साधन बतलाया और कृष्ण ने भी नहीं बतलाया, राधा जी ने नहीं बतलाया, तो ये बतलाया कौन? रूप गोस्वामी ने अपने रूप स्वरूप से ये बतलाया। कैसे? वो उन्नत उज्जवल भाव और उसमें भी तत्त इच्छित भावच्छामयी उल्लास रति को कैसे पाया जाएगा, ये रूप गोस्वामी ने दिया। इसलिए रूप गोस्वामी की कृपा रूप मंजरी की अपेक्षा भी इनकी कृपा, महाप्रभु जी की कृपा बहुत अधिक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो चैतन्य महाप्रभु का यह जो अभीष्ट है, क्या अभीष्ट? कृष्ण कृष्ण परम दयालु रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु का लीला इच्छा उद्गम प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो प्रेम रस का आस्वादन महाप्रभु जी कर लेते अकेले, ये संभव नहीं था। इसलिए अपने परिकरों के साथ में रूप गोस्वामी के साथ में आए। कैसे? इनके जो भाव थे, ये सब भाव कहां से आए? स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर से दो पक्ष होता है, एक तो स्वरूप की धारा से आया और एक रामानंद के धारा से आया। दोनों धाराएं मिल गई और वो पूरा सब जितना उनका वैशिष्ट था रूप गोस्वामी का आया। इसलिए रूपानु को कहने में हम लोग इतना गर्व बोध करते हैं। इसके संबंध में हम लोग मंदिर में बतलाएंगे। आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अभी अंग्रेजी में अरण्य माला। ओम अज्ञानतिमरंधस्य ज्ञानंदनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सापदान्तिकम्। श्रील गुरुदेव एक्सप्लेन यंग कलि रूप शरण धारत सन प्रज प्रेम महानिधि कुत्रिक कौनक पात उद्धारत। इफ श्रील रूप गोस्वामी पाद हैड नॉट अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड इन दिस कलियुग देन इवन दो श्री चैतन्य महाप्रभु ही डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड ब्रिंगिंग the Mahanidhi, the great treasure of Braja Prem, Unnat Ujjwala Rasa, yet it was locked in an iron chest. Who would have been able to open it? Sri Chaitanya Mahaprabhu kept the key with Srila Rupa Goswami Pad, and he was the one who opened the valuable treasure that was brought to this world by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And therefore, in our sampradaya, in our line, all the Vaishnavas are very proud to aspire to be a Rupanuga, the followers of Srila Rupa Goswami. In this kirtan, it is stated that just as there are so many different types of flowers in the forest, beli, chameli, jui, yet who can understand the glory of these flowers? Unless the bumblebee will come and collect the nectar from them and make honey, then
others cannot understand the contribution of these flowers. So in the same way, here Radha Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu, they are Prem Swarup. But who would understand the glories of Radha Krishna, the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu, unless the bumblebee, Srila Rupa Goswami Pad, collected the nectar of their hearts and distributed that flavor to others? Who would have understood the glories of Srimati Radhika's Unnata Ujjwala Rasa, Parikya Bhav? That means the relationship with Krishna, but not being married to him, Parikya Bhav. Who would understand it? All the people of the world thought that this unwedded relationship, paramour love, was something quite abominable, something despicable. But it was Srila Rupa Goswami Pad who cut away all their false conceptions and established that this is the supreme, highest pinnacle of transcendental love. Srila Rupa Goswami Pad established the purity of this prema through his books such as Sri Bhakti Rasamrita Sindhu and Sri Ujjwala Nilamani. Most have the conception that the married relationship between Krishna and Rukmini, Satyabhama and the queens of Dwarka, oh, this was wonderful and the highest thing and superior to the love of the gopis. Even the pandits of Ramanuja Sampradaya in Jaipur, they had Srimati Radhika removed from the temple of Sri Govindadev. But our Srila Vishnu Chakri Thakur sent Sri Gaudiya Vedanta Acharya, Srila Paldev Vidabhushan, there to Jaipur, and he cut all the arguments of those pandits and re-established the worship and the superiority of the worship of Sri Sri Radha and Krishna. So what is this? These are all the glories of Srila Rupa Goswami Pad. So Srila Raghunath Das Goswami, he has stated, Adadanastinam danta idam jachai puna puna shrimad rupa padam bojo julisham janma jamani. Birth after birth, I take the straw between my teeth and I beg again and again. Oh, Sirupa, please accept me like dust at your lotus feet, birth after birth. So all of our acharyas, they have followed this mood. We should know that Sri Rupa Manjari, she has thousands and thousands and millions of endless transcendental qualities. And all of those transcendental qualities of Sri Rupa Manjari, they are present in Srila Rupa Goswami Pad, because she has appeared in this swarup, this form, as Srila Rupa Goswami Pad. Yet, there is a quality in Srila Rupa Goswami Pad which is not present in Sri Rupa Manjari. What is that? We see that Sri Rupa Manjari, though she has served and shown the way of service to her associates in Radha Krishna Leela, in this service of Radha Krishna, but Sri Rupa Manjari has not shown the method by which the fallen conditioned souls of Kali Yuga can gradually progress through the stages of bhakti, through sadhan, sraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, natanviti, nishtha, ruchi, asakti, bhav, prem. She has not shown that path by which the fallen conditioned souls of Kali Yuga can attain the premoya seva of the lotus feet of Srimati Radhika. So this quality is there in Srila Rupa Goswami. Sri Krishna himself has not explained it. Radharani himself has not explained it. Sri Rupa Manjari has not explained it. Only Srila Rupa Goswami Pad has explained how to attain this special love. Before Srila Rupa Goswami Pad, people did not know how to discriminate between the mixed bhakti and transcendental bhakti, sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, and in this prema bhakti, the speciality of madhurya rasa, and in this madhurya rasa, the difference between sambhog ichamai of the heroines, Krishna's heroines, and tatat bhav ichamai of the sakis of those heroines, and within those who have tatat bhav ichamai, those who have bhavalas, permanent mood of loving friendship to Radhika, always in the higher position to their love and friendship with Sri Krishna. So it was Srila Rupa Goswami Pad who taught his anugatyan how to discriminate
and understand this highest goal of Unnata Ujjvala Rasam Swabhakti Sriyam, that is the service in the mood of Tatad Bhav Ichimai, especially Bhavala Sarati. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, why did he come to this world? Prema Rasa Nirjas Karite Ashwadan Ragamaga Bhakti Loke Karite Pracharan. He came to taste the very essence of Prema Rasa and to distribute Ragamaga Bhakti. But could he have done this without his parikars? He could have neither tasted a Prema Rasa Nirjas or he could not have distributed Ragamaga Bhakti, neither, without his associates. And therefore it is stated, Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swamrupa Kadamajam Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Pad give me the shelter of his lotus feet? Because he is that person who realized the Manobishta, the innermost heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, what? Prema Rasa Nirjas, to taste the essence of Prema Rasa and to distribute Ragamark. He understood the Sri Chaitanya Manobishta. And also, Stapitam Jaina Bhutale. He established that Manobishta of Chaitanya Mahaprabhu within this world. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he relished the Prema Rasa, taking the help of his very intimate associates, Sri Sarup Damodar Goswami and Sri Rai Ramananda. So, Sri Sarup Damodar Goswami assisted Chaitanya Mahaprabhu according to his mood. And Sri Rai Ramananda assisted Sri Chaitanya Mahaprabhu according to his mood. But the specialities of the mood of Srila Rupa Goswami, Srila Sarup Damodar, that is Lalita Sakhi, and Rai Ramananda Vishakha Sakhi, both combined together were manifested in the heart of Srila Rupa Goswami Pad. And he has distributed loving service in according to the specialities of these moods. So on this day, Srila Gurudev offered his heartfelt Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Srila Rupa Goswami Pad with these words, and inspired all Vaishnavas and Vaishnavis to enter into the nectar of the glories of the lotus feet of Srila Rupa Goswami Pad. Srila Gurudeva ki jai, Srila Rupa Goswami Pad ki jai, Tadiya Tirabhakti Ti Mahotsav ki jai, Gaura Premanande. Haribol Prabhus, one brief announcement. If you're wearing glasses, be very, very careful or they'll be gone. Attend you to that end. Roshanathan Gaudi Amat and all Vaishnava will come. The festival of in the Bira Mahotsav of Rupa Goswami we will observe. Now, at about 4:30, also come. And bring your all friends and family members. Everyone going. Hare Krishna. So all devotees please assemble for Harikatha under the guidance of Srila Gurudev at 10 o'clock this morning in Rup Sanatan Gaudiya Math. Afterwards there will be Mahaprasadam, and again please assemble in the evening at 4:30.
सर देखिए यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं सबसे पहले जो प्रकट विग्रह है उनका नाम है राधा वृंदावन चंद्र। ये श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी के ठाकुर ने जो है चेतन चेतन ग्रंथ लिखा है, बीच में राधा दामोदर ललिता सखी श्री जीव गोस्वामी ठाकुर जिनका ये मंदिर है, इधर है राधा माधव जयदेव गोस्वामी ठाकुर जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और अंत में राधा छल शिखर भूगर गोस्वामी के जो कि छह गोस्वामी से पहले वृंदावन धाम में आए थे। यहाँ का विशेष दर्शन है गोवर्धन शिला जो मैं आपको करा रहा हूँ। Place of Shila Rupa Goswami presence and samadhi.
and here he used to write books. I from Mathura used to come, but 7 days, nothing, not any jama kurta or anything. I used to give my chadar. On sitting there, we used to discuss. And in this kitchen room, this here, we both used to make chapati. We used to roll, and I used to give on fire. And he used to give ghee and other things. And then I used to offer to Radha Damodar. And then he used to sit here and take shower here. Oftenly I used to come. And by the grace of Srila Rupa Goswami and his Gurudev, Radha Damodar, he went to Western country. And in no time, couple of years, in all over the whole world he established preaching centers of bhakti. Lord Jagannath Devi Jatra, and he wrote and translated so many books, more than hundreds. And in all languages of the whole world it was translated. All the ladies, girls even, teenagers, very beautiful. They used to distribute his books all over the whole world, so in a couple of years, he established everything in hope.